अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये ना सुबह संडे की मॉर्निंग है और सुबह 7 बजे का टाइम है। मैंने ना बच्चों के उठने से पहले ही ना खाना बना लिया था, क्योंकि आज मैंने ना कपड़े भी वॉश करने थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से पहले ना मैं खाना बना लेती हूँ। तो आज मैंने पाए बनाने थे, ठीक है, और मैंने क्या किया है, पाए अच्छी तरह से वॉश करके तो वो प्रेशर में ऐड कर दिए, नमक मिर्च हल्दी और टमाटर प्याज और लहसुन, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर दिया। मैं तो इसी तरह से पाए बनाती हूँ, हर एक के पाए बनाने का भी अपना अपना ही तरीका है, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ तो मैं ये आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो सारी ये चीज़ें इसमें ऐड करके ना, तो प्रेशर बंद करके सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए मैं गलाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ ना मसाला गला हुआ मिलना चाहिए। पहले मैं सिर्फ मसाले के लिए प्रेशर लगाती हूँ, उसके बाद इसको अच्छी तरह से भून के ना, तो फिर मैं बाकी कुकिंग करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए जी, 10 मिनट के बाद ना मैं टमाटर के छिलके निकाल लूँगी, ठीक है, और ये जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना, ये भी सारा निकाल लूँगी। और सर्दियों में भी ना इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, नहारी खाने का बहुत मज़ा आता है, और पाए खाने का, और मतलब इस तरह की चीज़ें जो स्पेशल होती है ना वो। अच्छा ये देखिए, सारा पानी मैंने उसका निकाल लिया है, और अब ना मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, इतना भूनूंगी कि इसके मसाले की ना बिल्कुल पेस्ट बन जाए। और 2 सब्ज़ इलायची मैं ना इसमें ऐड कर दूँगी, और बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, इसमें कोई गर्म मसाले यूज़ नहीं करती, सिर्फ इसमें ना इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2 सब्ज़ इलायची ऐड करती हूँ, ठीक है, और वो भी मैंने ऐड कर दी है, और इसको अच्छी तरह से अब मैं भून लूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस कदर इसको भूनना है कि पाए ना अच्छी तरह से भून गए हैं, और मसाला देख लें आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, इस कदर मैंने भून लिया है। अच्छा बाद में ना पानी ऐड करके तो मैंने इसको ना आधा पौना घंटा गला लिया था, और उसके बाद क्योंकि बच्चे उठ गए थे तो मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैंने कपड़े भी धोने थे, फिर मैं ऊपर आ गई बच्चों को नाश्ता करवा के, और मटर उस दिन मैं लेकर आई थी तो मैंने बच्चों को मटर दे दिए, मैंने कहा धूप में एक तो बैठेंगे और साथ साथ मटर निकाल देंगे, और थोड़े से मटर थे और दोनों लड़ रहे थे कि मैंने निकालने हैं, वो कह रहा था मैंने निकालने हैं, तो खाते हैं नहीं एक दाना भी मटर का, तो मैं इसलिए बहुत थोड़े से लेकर आती हूँ, सीज़न में सिर्फ एक दफ़ा हम लोग मटर खाते हैं, और उस्मान तो चखते भी नहीं है और बच्चे भी नहीं खाते, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। और उस्मान के कमरे की भी साथ साथ सफाई करी थी, और बेड आगे करके मैंने खिड़कियाँ खोल दी थी ताकि अच्छी तरह से ना हवा अंदर आ जाए और धूप अंदर आ जाए, ठीक है। और अब ये फिर दोबारा से ना शाम का टाइम है, खाना हमने खा लिया था, वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला, कपड़े सारे मैंने उतार के अंदर रख दिए थे, थोड़े से रह गए थे सूखने वाले, वो अभी बाहर ही पड़े हुए थे, ठीक है। और अच्छा जी, छत से नीचे आते ही ना मैंने कॉफ़ी बना ली है, और कॉफ़ी मैंने पानी में बनाई है, इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन, ठीक है, चंद ड्रॉप मैं उस्मान के कप में ऐड कर दूँगी, और बाकी सारा मैं अपने कप में ऐड कर लूँगी, ठीक है। तो इतनी सुबह से आज ना बिज़ी हुई हुई थी रूटीन, के सुबह 6 बजे से मेरा दिन स्टार्ट हुआ हुआ है, और रात हो गई थी और मेरे काम ख़त्म नहीं हुए थे, और क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं तो दिल करता है कि सारे काम ख़त्म हो जाएँ, साथ साथ कोई काम पड़ा ना रह जाए, ठीक है। बच्चों को भी खुद पढ़ाना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं बच्चों को लेके बैठ गई थी, मैंने उनको पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद ना सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और मैं भी इतना थक गई थी कि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा से कुछ बनाती, क्योंकि पाए का सालन ख़त्म हो गया था, उसकी फ़ाइनल लुक दिखाना भी मुझे याद नहीं रहा, और उसमें बाद में ना मैं कुछ ऐड नहीं करती, सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्च कुछ भी हम ऐड नहीं करते, बस नान मंगवाए थे और खाना खा लिया था, ठीक है। और फिर ना मैं और उस्मान चले गए थे बेकरी, और ये वाली हम लोग चीज़ें लेकर आए, क्योंकि बिल्कुल एक तो मेरे में हिम्मत नहीं थी कुछ बनाने की, तो मैंने कहा चले मैं ना बाहर से भी हो आती हूँ और हम लोग चीज़ें भी ले आते हैं, ठीक है। मीठा खाने को मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो साथ में कुछ मिठाई भी लेकर आई हूँ, ठीक है, और पिज़्ज़ा है और चिकन समोसा है। चिकन समोसा इनका बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, कि जब भी हम लोग जाते हैं ना तो चिकन समोसा इनका ज़रूर लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना पहले इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि पहले सारी चीज़ें हम लोग खाएँगे, ठीक है, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, और फिर बच्चे खाना खा के तो लेट जाएंगे, और फिर मैं और उस्मान आराम से बैठ के चाय पी लेंगे, ठीक है। और मुझे भूख इतनी लगी हुई थी कि जब मैं आई हूँ ना ये चीज़ें लेके, तो मैंने आके ना अपना अबाया भी नहीं उतारा, मैंने पहले खाया है उसके बाद मैंने अपना अबाया उतारा है। अच्छा जी, उस दिन मैं ग्रोसरी करने गई थी ना, तो इन सारी चीज़ों का भी ना मैंने क्लिप बनाया था, लेकिन वो पता नहीं क्लिप कहाँ मिस हो गया था, तो अब मैं ना इन सारी चीज़ों को जार में डालने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट लेकर आई थी और कुछ नीमको वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि सर्दियों में ना स्पेशली बहुत ज़्यादा दिल करता है चाय के साथ ना कुछ थोड़ा सा होना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, इनको मैंने खोल लिया था और ये बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसी तरह से रखूँगी, पहले मैं चाय बनाऊँगी, तो फिर उसके बाद हम
थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हम साथ ले लिया करेंगे और टी टाइम का पूरा इंतज़ाम कर लिया है। सर्दियों की चाय बिल्कुल तैयार है। और अच्छा जी, बस यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ जी।